आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज डायबिटीज क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है, खाने में देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, स्टार्च लिया है, मीठा खाया है, वो सब क्या होगा कि वो सब चीज़ें हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में चली जाती हैं। अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो ग्लूकोज पहुँचता है तो अब वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हमारे हर सेल्स तक पहुंच जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जितने बॉडी का जितना भी सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं, सभी सेल्स के बने हैं। अब सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से। अब वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गया, अब वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाना जरूरी है। अब वो सेल्स के अंदर कैसे जाएगा? हमारी पैनक्रिया तुरंत इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और इंसुलिन जाकर उन सेल्स की उस गेट को खोलती है, यानी एक की का काम करती है, एक चाबी का काम करती है और उन गेट्स को ओपन करती है ताकि ग्लूकोज अंदर एंटर कर सके। अब ग्लूकोज अंदर एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, उससे उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो बना, अब ग्लूकोज के साथ साथ जो इंसुलिन हमारी पैनक्रिया ने बनाया वो इंसुलिन इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है कि वो हमारे सेल्स पे जाके उतना एक्टिवली वर्क कर सके और उन गेट्स को खोल सके, तो वो वहां जाके उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाता है और हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अब जैसे जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला गया तो वो हमारे सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमारे सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज एंटर नहीं किया तो उस वजह से सेल्स भी वीक होने लगे, यानी एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी अप होने लगा। तो इसको कहते हैं टाइप 2 का डायबिटीज। तो मतलब अब हमारी पैनक्रिया या तो इंसुलिन कम बना रही है, अगर बना रही है तो वो इतनी एक्टिव इंसुलिन नहीं बना पा रही है। हमारी कंपनी वायोसेश ने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली 2 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, एक है सीबकथोन डायगो जूस और दूसरा है डायगोसाइज कैप्सूल। सीबकथोन डायगो जूस क्या है कि इसके अंदर 85% सीबकथोन जूस है और 15% करेला, जामुन एंड पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब इन इंग्रेडिएंट्स में से एक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके वो यूज किया गया है, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी पे बहुत तेजी से वर्क करते हैं। अब ये चारों का कॉम्बिनेशन, सीबकथोन जूस, करेला, जामुन और पुनर्नवा, इन चारों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन क्या करता है कि आपकी पैनक्रिया को रिकवर करता है, रिवाइव करने का काम करता है। आपकी पैनक्रिया के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, बेटा सेल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिव हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, उनको रिवाइव करता है। अगर आपकी पैनक्रिया हेल्दी है, देखिए पैनक्रिया को भी हेल्दी होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो सीबकथोन न्यूट्रिशन दे रहा है। करेला के बारे में आप सब लोग जानते हैं, करेला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि वरदान है, और इसमें फिर साथ में हमने जामुन का एक्सट्रैक्ट यूज किया है जो अपने आप में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। पुनर्नवा हमारी बॉडी को रिकवर करता है या रीजेनरेट करने का काम करता है, कर देता है, जिसको हम कहते हैं पुनर्निर्माण का काम कर देता है। तो मतलब वो पैनक्रिया को एकदम से दोबारा से हेल्दी कर देता है, और अगर हेल्दी पैनक्रिया है बॉडी में तो नेचुरल है कि इंसुलिन भी हेल्दी बनेगी। अब हेल्दी इंसुलिन अच्छा आपकी बॉडी पे काम कर पाएगा, जो आपके सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज को पहुंचाने का काम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर प्रॉपर ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी भी आ रही है और ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल है। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है डायगोसाइज कैप्सूल, ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर बहुत से बेहतरीन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो अपने आप में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको डायबिटिक में बहुत ही अच्छी मदद करता है, आपको डायबिटीज से बाहर लाने में। आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी, आपकी बॉडी में जो थकावट यानी कि टांगों में दर्द होना, ब्लड विजन है, प्यास लगना, थकावट रहना, ये सब चीज़ों को भी बहुत ही इजीली रिकवर करना स्टार्ट करता है। बहुत ही कम दिनों के अंदर ही आप अपनी बॉडी के अंदर बदलाव महसूस करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेगुलर यूज़ करें। देखिए लोग टैबलेट्स भी तो खाते हैं, एलोपैथिक टैबलेट्स खा रहे हैं, इंसुलिन लगवा रहे हैं। आप अगर कोई ऐसी टैबलेट्स या इंसुलिन ले रहे हैं तो वो लेते रहें, एकदम से वो बंद नहीं करना है। उसके साथ साथ हमारा ये दोनों प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ही डायबिटीज़ को कंट्रोल यानी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे जैसे आपका डायबिटिक लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो आपके डॉक्टर जो हैं, आपके जो फिजिशियन हैं, वो खुद ही आपकी डोजेज को
कम करते चले जाएंगे और धीरे धीरे वो डोजेज आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी कि आप एकदम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे और आपकी बॉडी पहले की तरह फिर से हेल्दी बन जाएगी।